नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो बहुत सुंदर प्लांट के बारे में है और उसमें बस अभी नए नए फूल खिलने शुरू हुए हैं और बिल्कुल एक बहुत सुंदर सी वैरायटी है कनेर की। इसको बोलते हैं दोस्तों ड्वार्फ कनेर, या तो कनेर पे फूल आते हैं बड़े साइज का प्लांट होने के बाद। लेकिन ये जो वैरायटी है ड्वार्फ कनेर, इस पे देखो छोटे से साइज के कनेर के पौधे पे ही ना मतलब बहुत सारे फूल आ जाते हैं और बिल्कुल पूरा का पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। तो ये अगर आपको देखो वैरायटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नर्सरी से आपको जरूर लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे बालकनी वगैरह में हम छोटे साइज के प्लांट रखते हैं और हम चाहते हैं इसमें मल्टी कलर फूल भी खिले हमारे बालकनी में, तो उसके लिए बेस्ट प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, वो आप देखो एक बार नर्सरी में जाके अगर आपको मिलते हैं तो, नहीं तो आप अपने माली से बोल के मंगा भी सकते हो। और ये देखो छोटे से गमले में ही लगा हुआ है पौधा, साथ में मैंने कटिंग भी लगाई थी इसमें ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की, वो भी चल गई है। और इसकी जो ब्रांचे थी ना इधर उधर जा रही थी, फिर मैंने इसको बांध दिया था थोड़ा, एक 7 साल लगे ये। और इस प्लांट को दोस्तों आप बड़े आराम से कटिंग से भी लगा सकते हो, अगर आपके यहाँ किसी के पास लगा हुआ है तो आप कटिंग लाके इसको लगा दो और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपकी कटिंग नहीं चलेगी, बड़े आराम से आपकी कटिंग चल जाएगी। और मैं भी अपनी कटिंग दिखाऊंगी जो मैंने लगाई थी इसकी, मैंने भी कल परसों ही देखी, मुझे ध्यान भी नहीं था बल्कि। और जब मैं इस प्लांट की प्रूनिंग कर रही थी ना पीछे, जब मैं सब प्लांट्स को प्रून कर रही थी तब शायद मैंने उसकी कटिंग लगा दी होगी पौधों को काटते वक्त ही, और अब वो कटिंग बिल्कुल ठीक थी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आते हैं अब इस प्लांट के ऊपर बात करने के लिए, तो बिल्कुल दोस्तों वैसा ही इसका केयर करना है जैसा कि आप कनेर के पौधों का करते हो। और इसको अच्छी खासी धूप पसंद है, पानी भी इसको खूब पसंद है, और अगर अच्छी मात्रा में इसको धूप और आप पानी देते हो तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और टाइम पे अगर आप इसको प्रून करते रहते हो, इसकी गुड़ाई करते रहते हो इस पौधे की, तो भी बहुत ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि अब गर्मी का टाइम आएगा तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे यही हो गया हमारा, जिनको पानी बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही आप डालते हो थोड़ी देर बाद ही इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे पौधों के लिए आपको मल्चिंग करना जरूरी है। मैं भी अभी इसकी कर दूंगी, कुछ मुझे मिलते हैं पत्ते वगैरह तो इधर गिरे हुए, और बहुत सारे पौधों की तो मैंने कर दी थी जब मैंने एस्पेरेगस वगैरह जैसे छोटे पत्तियों वाले प्लांट की कटाई छटाई की थी, तो सारी की सारी जो पत्तियां थी ना बहुत सॉफ्ट सी, उनसे मैंने ऐसे सारे पौधों की मल्चिंग कर दी थी जो कि बड़े बड़े हैं और बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं। तो इसका भी मैं करूंगी कुछ जुगाड़, इसको भी बहुत पानी चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों आप मल्चिंग करके इसको मतलब खुराक भी दे सकते हो, इसकी मिट्टी को भी बचा सकते हो, और दूसरा गर्मियों में बार बार पानी देने से भी आप बच जाओगे। अगर एक पौधे में थोड़े टाइम के लिए पानी की मात्रा बनी रहती है, एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट सा बना रहता है, तो उसके सूखने के चांसेस भी कम होते हैं और अच्छी खासी देखो फिर फ्लावरिंग तो होगी होगी, सूखने से ही बच जाएगा आपका पौधा। कनेर नहीं चाहे कोई और भी हो, तो ये है दोस्तों इसका रखरखाव। और बिल्कुल आप गमला भी देख रहे हो, बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ है ये, तो स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनेर की जो दूसरी वाली वैरायटी है ना वो बहुत स्पेस मांगती है। जो मैंने देसी कनेर वगैरह भी लगा रखे हैं ना, बहुत बड़े बड़े गमलों में लगा रखे हैं वो, तो उनको देखो जगह भी ज्यादा चाहिए, और असल में तो वो जमीन के ही पौधे हैं और कटाई छटाई करके फिर हमको छोटा करते रहते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है कनेर की, इसको आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हो, तो बहुत सुंदर प्लांट है। और ये देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इस पे, अभी तो इस पे आने शुरू हुए हैं, अदरवाइज तो इसकी पत्तियां भी नहीं दिखेंगी, इतना फूलों से ढक जाएगा ये, बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं इस पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि छोटे से गमले में आने के बाद भी और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करने के बाद भी इस पे खूब चिड़िया भी आती हैं, छोटी छोटी तितलियां भी खूब मंडराती रहती हैं इस पे, तो बहुत सुंदर पौधा है, वाकई में बहुत खूबसूरत प्लांट है। आपको अगर मिलता है ना ये तो आप इसको जरूर लगाना, और नहीं तो भी कटिंग काट के तो इधर उधर कहीं लगा हुआ हो, या अपने माली से बोल के आप इसको मंगवा भी सकते हो। और इसी तरह के दोस्तों अगर आपको और भी कलर मिलते हैं तो वो भी ला सकते हो आप, तो बहुत अच्छा पौधा है और आपको जरूर लगाना चाहिए। गर्मियों का तो बेस्ट प्लांट है तो एवरग्रीन ही, लेकिन गर्मियों में जब इसकी फ्लावरिंग होगी तो वाकई में मजा आ जाएगा। और बहुत से ऐसे कम पौधे हैं दोस्तों जो इतनी गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं, उनमें से ये भी एक है। और कई बार तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है, हम तो हरियाणा से हैं तो यहाँ तो पौधों का रहना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तो ये समझ लो तब भी ये प्लांट सरवाइव कर जाते हैं, तो ड्राउट रेजिस्टेंट भी ये प्लांट एक तरीके से, और समर का जो हमारा टेम्परेचर कितना ही हाई चला जाए उसको भी बर्दाश्त कर लेता है।
बस यही आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छी खासी धूप मिले, और भाई टेम्परेचर भले ही कितना हाई चला जाए तो इसको पानी देना भी मत भूलना। ऐसा भी नहीं है कि मरेगा नहीं, तो पानी देते रहोगे। अच्छी इसकी देखभाल तो मैं क्या कहूँ, कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ पानी खूब मांगता है ये, तो इसको आप देखो एक बार अगर आपके पास नहीं है तो। और वो जो कटिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, तब ये गमला इधर रखा हुआ था, यहीं से मैंने परे रखा है। और ये देखो जब मैं काट रही थी ना पौधों को, तो कुछ कटिंग ऐसे ना बनी बनाई सी ही कट रही थी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया होगा इसको। और ये देखो खूब टिकी है कटिंग, और ये देखो आराम से बड़े पौधा तैयार भी हो गया है। साथ में मैंने एक दो कटिंग और लगाई थी इसके सुंदर रूपा की भी, जब मैं कटाई कर रही थी साथ में ऐसे ही लगा दी होगी काटते वक्त। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप काट रहे होते हो तो ये गमला शायद खाली होगा, तो तब मैंने इसमें ये एक दो कटिंग लगा दी होंगी काटते वक्त ही। तो ये देखो खूब अच्छी चल रही है अभी ये, तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये तो। और बिगिनर्स को तो भाई शुरुआत ही ऐसे पौधों से करनी चाहिए जो कि बड़े इजी टू ग्रो हो, और उनका जो मनोबल है वो भी बना रहे पौधों के लिए कि हाँ हम भी कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत ही इस तरह के पौधों से करते हो ना, तो आपके लिए भी अच्छा है, और दूसरा भी आपका गार्डन मल्टीप्लाई तो होगा होगा। इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, आप देखो उस पे कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, और अपनी ये कटिंग भी तैयार हो जाती है तो उसमें भी कितने अच्छे फूल आएंगे, है ना। और वो जो गमला खाली हुआ था वो भी अपना प्लांट से भर जाएगा। और दो तीन तरह की मैंने उसमें कटिंग लगा रखी, एक पर्पल है शायद उसकी मैक्सिकन पेटूनिया की, और सुंदर रूपा की होगी रेड कलर की, ये थोड़ा मजेंडा सा कलर है ना। देखो तीन कलर इकट्ठे होंगे, फिर कितने अच्छे लगेंगे जब तीनों तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मिक्स मैच करके भी पौधे लगाया करो, ताकि एक ही गमले में बहुत सारी वैरायटी इकट्ठी हो। और इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हो जिसके अलग अलग कलर होते हैं। उसके लिए आपको कोई ग्राफ्टिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। तो जब आप कटिंग लगाते हो ना, तीन चार अलग अलग रंगों की लगा दिया करो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और दो तीन आपकी कटिंग भी अलग अलग रंगों की तैयार होगी, तो देखो कितना अच्छा आपका गमला तैयार हो जाएगा, अलग अलग रंगों के फूल खिलेंगे। और दूसरा ग्राफ्टिंग भी नहीं की आपने, ये भी डर नहीं है कि मेरी ग्राफ्टिंग खराब गई। और इसी तरीके से दोस्तों आप बोगनविला वगैरह की कटिंग भी अलग अलग कलरों की लगा के एक मल्टी कलर अपना गमला तैयार कर सकते हो। और ये देखो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार की थी, ये बेल कहीं से मिलाई होंगी इस कलर के फूल, और ये देखो अभी इस पे फूल आ रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर मल्टी कलर की बोगनविला की बेल चढ़ाते हो ना, जैसे रेड कलर हो गया, ये हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, पर्पल वाला हो गया, तो देखो जब सबके इकट्ठे फूल आते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं, मिक्स से हो जाते हैं ना जब आपस में। और जब इनका फ्लावरिंग का सीजन आता है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, तो इस टाइम वही परफेक्ट टाइम है। और अब तो बरसात भी हो रही है मोस्टली सब जगह ही, और हमारे यहाँ तो खूब हो रही है बरसात अब दो तीन दिन से, तो इस टाइम आप बिल्कुल ये टाइम मत छोड़ो, क्योंकि जो गमलों की मिट्टी है वो भी बारिश के पानी से तैयार हो गई है, और फ्लावरिंग का और कटिंग लगाने का तो टाइम चल ही रहा है। और ये अमराइलिस लिली पे भी देखो कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं, अब तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, किसी भी वजह से अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और भाई अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको वीडियो अच्छे लगते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लो। और ये भी दोस्तों मैंने कटिंग से तैयार किया था, देखो कितना अच्छा कलर है इसका ना, पीच कलर, कहीं से मैं कटिंग लाई होंगी, तो ये देखो कितना अच्छे फूल आए हैं इस पे। तो बस बढ़ाओ अपनी गार्डनिंग को, लगाओ ये ड्वार्फ कनेर, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से प्लांट के साथ। तब तक अपना भी ध्यान रखो, अपने पौधों का भी ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड।